नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में जानसर तहसील बार एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की और अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश शिव किशोर गौड़ के नेतृत्व में तहसील बार एसोसिएशन जानसर के अधिवक्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम एसडीएम सुबोध कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि गंभीर रूप से घायल अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपए का मुआवजा और अधिवक्ताओं के हुए नुकसान इत्यादि की भरपाई भी प्रशासन द्वारा कराई जाए। इस घटना में निकम में रहे पुलिस अधीक्षक हापुड़ व जिलाधिकारी हापुड़ का स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही और कानूनी कार्यवाही की जाए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने एकजुटता दिखाई। इस दौरान बार संघ अध्यक्ष शशि सैनी, सचिव योगेश भेटवाल, जावेद हुमायूं, वेद प्रकाश सैनी, प्रदुमन भेटवाल आदि अधिवक्ता गण मौजूद रहे। बाकी वो फिर शांत हो जाता है, थकाता जरूर है,
अखाड़ा के बाद फिर किसान हो सकता है। तो आप इसके स्वरूप कमनाम के वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।